प्यारे बच्चों, आज हम लोग एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं ये पता करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉमन मल्टीपल मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड से ही पता लग रहा है कि इस मेथड में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये भी मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अगर कोई भी आपको नंबर गिवेन है तो उस नंबर के आपको फैक्टर्स करने हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करके। अब हमारे पास में क्वेश्चन है, एलसीएम पता करना है हमको 30, 45 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम लोग तीनों ही नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जो कि आप लोगों को आता है करना। इसके बाद में इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस तरीके से यहां पर इन्हें अरेंज करते हैं। अब अरेंज करने में कुछ खास बात होती है, उसे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मान लिया ये जो 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3 और 5, इनको तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, थोड़ा दूर दूर लिखना है बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के। अब 45 में 3, 3 और 5 तीन नंबर्स हैं। बच्चों ये जो 3 है पहला, उसको यहां सीरियल से ना लिख के जो ऊपर वाला 3 है उसी के नीचे लिखते हैं। फिर एक और 3 है जो कि इसमें से कहीं आ नहीं रहा है तो इसको हम बाद में लिखेंगे, जबकि 5 ऊपर वाले के साथ कॉमन आ रहा है तो हम 5 उसके नीचे लिखेंगे। इसी तरीके से 60 के प्राइम फैक्टर्स में 2 दो बार आ रहा है तो एक बार का 2 तो हम इसके नीचे लिखेंगे, एक बार का 2 हम बाद में लिख देंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी बता दूंगी। 3 का हमारे पास में एक पेयर बन रहा है तो हमने 3 इसके साथ लिख दिया। इसी तरीके से 5 का भी हमारे पास एक पेयर बन रहा है तो हमने 5 को भी इसके साथ लिख दिया। अब हमने ऐसा क्यों करा, सीरियल से लिखने की जगह जो पेयर में बन रहे थे उन्हें साथ साथ लिखा, बाकी लोगों को दूर लिख दिया, बाकी नंबर्स को दूर लिख दिया। उसका कारण क्या है, यहां पर हमको पेयर बनाकर ब्लॉक बनाने में आसानी रहेगी। चाहे 2 नंबर्स में पेयर बन रहा हो चाहे 3 में पेयर बन रहा हो, अब आपको इस तरीके से कॉमन नंबर्स ढूंढने हैं। देखिए मैंने 3 नंबर लिए हैं 30, 45 और 60। अगर कोई भी नंबर तीनों में कॉमन आ रहा हो, चाहे कोई नंबर सिर्फ 2 में कॉमन आ रहा हो, हमें उनके पेयर बना लेने हैं। अब पेयर में जो जो नंबर्स हैं उनको नीचे एक एक बार लिख लिया, यहां पर 2 एक बार, यहां पर 3 एक बार, यहां पे 5 एक बार। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा नंबर्स बचे अनपेयर्ड, वो जितने भी हों, यहां पर सिर्फ 2 थे तो मैंने 2 ही लिख दिए 3 और 2, जितने भी आपके पास अनपेयर्ड नंबर बचेंगे वो सब आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में और जो आंसर आएगा वो उसका एलसीएम होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका एक बार बता देती हूँ, शायद मे भी बच्चों को ना आता हो। 3 2 6, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 5 30, फिर 30 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा 90, 90 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है 180। इसमें भी बच्चों मल्टीप्लाई करने में भी एक ट्रिक होती है, इस तरीके से फिर भी कठिन होगा, थोड़ा ओरली देखो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले बेटा 2 और 5 इन दो नंबर्स को ले लें तो 2 5 10 होता है, इसे हमने एक तरफ लिख लिया। अब हम देखते हैं 3 3 9 और 9 2 18, ये बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो अब बस हम लोगों को 18 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 18 की 10 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 18 1 18 लिखा और उसके आगे 10 लगा दिया तो आंसर 180 हो गया। ये सारा काम आप ओरली भी कर सकते हैं, ये तरीका है। इसको जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में नंबर लिखे उन्हीं में मल्टीप्लाई करें, आप इधर उधर करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एलसीएम का एक और तरीका, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही एक और तरीके से आप कर सकते हैं, ये बहुत मुझे ऐसा लगता है ये कंपेरेटिवली आसान होता है। वही करना है, सब सारे नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 35 50 ऐसे लिखा। अब इसके बाद एक नया काम करना है, ये जितने भी नंबर्स आपके पास में आए हैं, यहां पर जैसे 42 के फैक्टर्स में 2 3 और 7 एक एक बार आया है तो 2 एक बार आया तो उसके ऊपर 1, 3 भी एक बार आया तो उसके ऊपर 1 और 7 भी एक बार आया तो उसके ऊपर 1 लिख दिया। 1 1 या 2 या 3 या 4 जो भी लिखा जाएगा इसका मतलब क्या है, वो नंबर कितनी बार आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं देखूं
तो इसमें इस क्वेश्चन में 345 के फैक्टर्स में दो बार आया है, तो हम यहां पर अगर उस तरीके से लिखना चाहें तो हम 3 के ऊपर 2, इसको बोले 3 की पावर 2। ठीक, अब इस तरह से हमने ये लिख दिया। अगले नंबर का भी हमने लिख दिया, 5 और 7 है तो 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1, 2 की पावर 1, लेकिन 5 दो बार आया है तो हम इसको बोलते हैं 5 के ऊपर 2 या 5 की पावर 2। अब हमें इन सब चीजों का कोई काम नहीं है, अब बस हमको यहां का हिस्सा देखना है। एलसीएम पता करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, जितनी भी लाइंस हैं सब में 2 देख लीजिए, मैक्सिमम कितनी पार है, 1 ही पार है सब में, तो सबका मिलाकर सिर्फ एक बार 2 की पार 1 एक बार लिख लिया। अगला नंबर आया 3, 3 की मैक्सिमम पार इसमें 1 है, अगले में है ही नहीं, तो 3 एक बार हमने यहां लिख लिया। इसके बाद नंबर आया 7, 7 की पार 1 है, आगे भी है एक बार लेकिन एक ही बार आई है 1, ओके, तो हमने बस 3 को लिख लिया। आगे नंबर आता है 5, 5 की पार बच्चों देखो इसमें 1 आई है, ऊपर 3 नहीं, यहां पर 5 की पार 2 है, तो 5 की पार 2 वाला नंबर हम यहां पर चूज करेंगे। 7 आया अगला, वो हम लिख चुके हैं, 2 के बारे में हम लिख चुके हैं। अब ये सारे नंबर्स एक्चुअली इनकी जो ऊपर पार है उसका मतलब क्या है, 2 एक बार लिखना है, 3 एक बार लिखना है, 7 एक बार लिखना है और 5 को दो बार लिखना है, तो 5 को हमने दो बार लिख दिया। फिर इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करा और आंसर 1050 आ गया। तो इसका 42, 35 और 50 का एलसीएम कितना हो गया, 1050। बच्चों ये वाला मेथड तब ज्यादा आराम देखने में लगता है जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं और सारे नंबर्स में कई सारी पार्ट्स आती हैं और समझ में नहीं आता किस में, किसी में कोई कॉमन आ रहा होता है, किसी में कोई कॉमन आ रहा होता है, कोई दो नंबर इसमें तो कॉमन आएंगे लेकिन इसमें नहीं आएंगे, उस समय बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम एलसीएम किसे, एलसीएम के लिए कौन से नंबर्स चूज करें। तो सबसे अच्छा तरीका है यहां पर साइड में आप पार्स की फॉर्म में लिख लो, जिस नंबर की जो सबसे बड़ी पार है बस वही आंसर लेना है और उसे कैलकुलेट कर लेना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एलसीएम का लेकर हम लोग आएंगे, और तब तक के लिए बाय।